अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को जो गला बता रही हूँ लूप्स के साथ जो नेट जो आजकल बहुत ट्रेंड में है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। और इसकी जो विथ है, गले की जो विथ है, ये है तकरीबन 7 इंच, ये 7 इंच है। और इसकी जो राउंड शेप की जो है लेंथ है वो है 1.5 इंच। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है तकरीबन 14.5 इंच। इसको मैं बनाने वाली हूँ फ्रॉक पर, लाइनिंग वाली जो फ्रॉक्स होती हैं हमारी, ये अनारकली फ्रॉक है, इसके ऊपर मैं ये बनाऊँगी। तो इसकी जो टोटल बॉडी की जो लेंथ है वो है 14.5 इंच। और इस पर जो है हम लोग पहले इसको हम लोग ऐसे फोल्ड कर लेंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे। अच्छा, इसको मैंने जो है अब ऐसे फोल्ड कर लिया, इसको फिनिशिंग देंगे। इसकी अब हम लोग सीधी साइड लेंगे और सीधी इसके सेंटर में रखेंगे। इसको पहले हम ऐसे स्टिच करेंगे और उसके बाद हम इसको ऐसे स्टिच करेंगे। इसको जो है मैंने सिलाई लगाई है, उसके बाद मैंने इसको ऐसे कट कर लिया। कट करने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद हम इसको प्रेस से अच्छी तरह बिठा लेंगे ताकि इसको नीटनेस आ जाए। ताकि इसमें प्रेस से अच्छी तरह इसको ऐसे बिठा लेंगे। अच्छा, इसको मैंने प्रेस से जो है वो बिठा लिया। अब हम इस पर लूप्स के लिए जो है वो निशान लगाएंगे। ये इसके लिए लूप्स मैंने बना लिए। अच्छा, इसके लिए अब हम लोग निशान लगाएंगे। सबसे पहला इधर लगाएंगे, उसके बाद तकरीबन 1.25 इंच पर हम लोग निशान लगाएंगे। ग्यारह लूप्स जो है वो हम लोग लगाएंगे। लेकिन उससे पहले लूप्स लगाने से पहले हम लोग इसकी साइड की जो पट्टी है इधर से जो हम इसको बंद करेंगे फिर वो रेडी कर लेंगे। ये पट्टी को मैंने रेडी कर ली है, उसके बाद हम सबसे पहले जो है इसको इधर फिट करेंगे, इसके साथ सिलाई लगा देंगे। इसको हम लोग ऐसे सिलाई लगा देंगे। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसके फाइनल लुक। बटन्स वगैरह मैंने लगा दिए थे, तो ये है इसके फाइनल लुक।